राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे जिसका लेसन है राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार। टॉपिक जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी अकबर के बाद मुगल बादशाह बना। ये भी एक महान शासक एवं कला प्रेमी था। इन्होंने फारसी में तज्विके जहांगीरी लिखी। जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य को शाहजहां 1628 से 58 ईस्वी और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी जैसे योग उत्तराधिकारी प्राप्त हुए। इन शासकों के अधीन भी मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार क्रमशः जारी रहा। औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इस राजवंश की शक्ति घट गई थी, लेकिन अंतिम रूप से मुगल वंश का पतन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से निष्कासित करने के साथ ही हुआ। मुगल शासकों की राजधानी। मुगल साम्राज्य में राजधानियों का विशेष महत्व था। इनको साम्राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता था। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया। लोदियों से आक्रमण स्वरूप प्राप्त 1566 ईस्वी में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। किले का निर्माण आसपास के क्षेत्रों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से कराया गया था। अकबर ने राजधानियों में व्यापक परिवर्तन किए। कुछ समय पश्चात 1570 ईस्वी के दशक में फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया गया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के पीछे प्रमुख कारण ये था कि ये अजमेर को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। अजमेर मुगलों का हार्दिक केंद्र था। अजमेर मुगलों का धार्मिक केंद्र था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को और धार्मिक नियंत्रण में लाने के लिए 1585 ईस्वी में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। शाहजहां ने वर्ष 1648 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित की थी। ये दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में एक नई और शाही आबादी थी। मुगल शासकों के दरबार में अनुशासन। मुगल दरबार की भव्यता विश्व प्रसिद्ध थी। दरबार का मुख्य केंद्र शासक होता था। दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। राज सिंहासन जिसे तख्त कहा जाता था दरबार का केंद्र बिंदु था। ये संप्रभुता के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान करता था। मुगल दरबार में अनुशासन को प्रमुखता दी गई थी। मुगल शासकों का प्रशासनिक ढांचा। मुगल साम्राज्य का शासन केंद्रीकृत था, जिसके लिए शाही संस्थाओं की स्थापना की गई। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। औरंगजेब के काल तक इस नीति में सैन्य शक्ति तथा उपमहाद्वीप की विभिन्न परंपराओं का समायोजन था। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग शासक बादशाह होता था, जिसे दरबारी संस्कृति के माध्यम से समझा जा सकता है। आदर्श राज्य की स्थापना। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रशासन के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। राजद सिद्धांत का प्रशासन। मुगलकालीन इतिहासकारों ने अपने विवरणों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती थी। ईरान सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम राजत्व के दैवी सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिससे राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन सके। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों को इतने प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता था कि देखने वाले के मन मस्तिष्क पर दैवी प्रकाश के विचार का संप्रेषण अस्थायी प्रभाव डालता था। अबुल फजल ने ईश्वर फरे इजादी से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व राजा एवं राज्य की शक्ति को शीर्ष स्थान पर रखा। राजा सम्राट बादशाह का प्रशासन। मुगल बादशाह के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं के साथ होती थी। उसके बाद ये पूर्व दिशा की ओर बने एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में जाता था।
झरोखे के नीचे मैदान में एकत्र भीड़, जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, महिलाएं व बच्चे सभी शामिल थे, को सम्राट झरोखे पर आकर दर्शन देता था। इस प्रक्रिया को झरोखा दर्शन कहा गया। इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। इस प्रथा का प्रमुख उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और धार्मिक और अधिक विस्तृत करना था। मुगल बादशाह झरोखा दर्शन के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रियाओं में भाग लेता था, जो इस प्रकार है।